हेलो एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं कनाडा के स्टडी वीज़ा के बारे में, जो लेटेस्ट ट्रेंड चला है और कितना प्रोसेसिंग टाइम है, उसके बारे में बात करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि स्टडी वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कनाडा में लास्ट ईयर दिसंबर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, उनके जो रूल्स चेंज हुए थे उसकी वजह से उस टाइम काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था सितंबर और मई इंटेक के लिए। बट अभी क्या ट्रेंड चला है, अब अप्लीकेशन जो है स्टडी वीज़ा की कम जा रही हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा आने का, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा आगे, क्योंकि अप्लीकेशन जैसे ही कम जाएंगी तो उससे क्या होगा, ऑलरेडी आपका वीज़ा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट हो जाएगा और वीज़ा अप्रूवल का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90% भी आप इसको बोल सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चला है हमारा, लास्ट वीक एक वीज़ा अप्रूव होके आया था, जो जिसमें अगर उसकी मैं कैलकुलेशन करूँ तो वो विद इन 15 डेज आफ्टर बायोमेट्रिक उसका वीज़ा अप्रूव होके आया था। ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि 17 डेज या 18 डेज में मैक्सिमम वीज़ाज अभी आ रहे हैं और प्रोमिसिंग रिजल्ट्स हैं। एक वीज़ा नहीं, 3-4 हमारे वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं इस टाइम, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उनको बहुत फास्ट प्रोसेसिंग कर दिया है स्टडी वीज़ा को लेके कनाडा ने, उनकी एक ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने जो रूल्स चेंज करे थे उसको लेके, जैसे कि आप पाल लेटर है वो वाला आप अगर साथ लेके साथ लगता है तो भी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और जल्दी उनका वीज़ा अप्रूव हो जा रहा है। ऐसे में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा अपना कनाडा का अप्रूव करवा सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो ज़्यादा टाइम लग रहा है वो विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को लग रहा है, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्लीकेशंस लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा अप्लीकेशंस करी हैं। ऐसे में काफ़ी डिले हो रही हैं विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के पास। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी के लिए, वो अभी एक राइट टाइम है उनके लिए कैनेडा स्टडी वीज़ा का, आराम से उनका वीज़ा आ सकता है। और कोई भी आपको 99% तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम होंगे, जस्ट 1% लेके चलिए इस टाइम। हाँ, आपका प्रोफाइल थोड़ा बेटर होना चाहिए, परसेंटेज आपका 60% से अबव होना चाहिए और जो रेलेवेंट प्रोग्राम आपका होना चाहिए एंड फ्यूचर प्रस्पेक्टिव प्लान आपके अच्छे होने चाहिए। एंड वन मोर थिंग, STS में आपकी अप्लीकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। देर ना करें, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करें और आपका जो प्रोफाइल है वो मुझे या मेरी टीम के साथ डिस्कस करें और अपना वीज़ा का जो प्रोसेस है वो इजी करवा के अपना वीज़ा अप्रूव करवाएं। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।